नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आखिरकार काफी इंतजार के बाद वो दिन आ चुका है दोस्तों, जब हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज जुड़ चुका है। ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑफिशियल न्यूज़ तो अभी तक नहीं सुनी होगी। देखिए, अभी अभी नया ट्रायल हुआ है और ये ट्रायल एक आम ट्रायल नहीं है। WDFC ने कल वीडियो जारी करके बताया कि उन्होंने दादरी से लेकर न्यू रेवारी के बीच में 127 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहां पर दौड़ाया डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को, एक कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर। और यहां पर जो ये ट्रेन निकली है दादरी पहुंचने से पहले, ये ट्रेन पहले कॉनकोर के ICD जहां पर कंटेनर की उपलब्धता कराता है हमारे इंडियन रेलवे का आर्म कॉनकोर, और यहां से ये ट्रेन पहले बनी, फिर यहां से चल करके ये न्यू दादरी पहुंची और न्यू दादरी से ये ट्रेन सीधा हमारे न्यू रेवारी के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन जो निकली ये सिर्फ रेवारी तक नहीं गई, ये रेवारी के आगे पालनपुर होते हुए फिर महेसाना से हमारे मुंद्रा पोर्ट तक गई, जो कि लगभग 850 किलोमीटर की दूरी है। चलिए आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से ये काम हुआ है। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे 1506 किलोमीटर के WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दादरी से शुरू होकर मुंबई के JNPT पोर्ट में खत्म होगा, वहां पर दादरी जो है वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बीच में। ऐसे में दादरी का कनेक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हो चुका है, लेकिन दादरी का कनेक्शन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवारी से होना रह गया था। इसकी डेडलाइन जून 2023 रखी गई है, लेकिन मार्च 2023 में दादरी से लेकर के पिरथला 52 किलोमीटर का सेक्शन अगर छोड़ दिया जाए, पिरथला से लेकर के न्यू रेवारी के बीच में 75 किलोमीटर का जो है ट्रायल हो गया था ट्रेन को चला करके। अब 52 किलोमीटर का जो सेक्शन रह गया था वहां पर ट्रेन चलना रह गई थी, लेकिन लोगों का ट्रायल यहां पर भी पहले हो चुका है मार्च में ही। अब यहां पर ट्रेन चल चुकी है और ये ट्रेन न्यू रेवारी से आगे निकल के पालनपुर महेसाना होते हुए हमारे मुंद्रा पोर्ट तक पहुंची है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारे देश के तीन बड़े पोर्ट पिपावाव पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट, इन तीनों का कनेक्शन WDFC से हो चुका है। और हमारा WDFC अप्रोक्स, अब मैं आपको बता देता हूं कितना खुल चुका है। देखिए, 127 किलोमीटर अब ऑफिशियल ट्रायल जब हो चुके हैं तो मैं कह सकता हूँ ये खुल चुका है। 127 किलोमीटर को प्लस करेंगे 659 किलोमीटर से, 659 किलोमीटर जो दूरी है ये न्यू रेवारी से लेके पालनपुर के बीच की दूरी है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे सानंद तक, तो पालनपुर महेसाना सानंद 155 किलोमीटर होता है, तो टोटल हम करें तो 941 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल चुका है, जिसमें से 848 किलोमीटर पर दादरी से महेसाना की दूरी होती है, और यहाँ पर हमारी ट्रेन ने दूरी तय करी है कल, और महेसाना से हमारा मुंद्रा पोर्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से फिर हमको अलग लाइन मिल जाती है मुंद्रा पोर्ट पे जाने के लिए। तो महेसाना और दादरी का ये ट्रायल आखिरकार हो चुका है, और अब ये बात क्लियर हो चुकी है हमारे दादरी का कनेक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों से हो चुका है। बस अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन ऑफिशियली एक ट्रेन दादरी से नहीं, हमारे प्रयागराज से चलेगी और सीधा गुजरात में पहुंचेगी, कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे लोको पायलट के लिए इससे ज्यादा अच्छी एनवायरनमेंट नहीं है जहां पे वो गुड्स ट्रेन चला सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।